चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे 5 हैक्स बताने वाली हूँ जो बेकिंग सोडा से होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरी रशियन ब्लू है, इसको थोड़ा सा फ्लीज ने इसको अटैक किया था, तो मैं वही आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बेकिंग सोडा कितना अच्छा कैट के ऊपर काम करता है। और अगर आपकी कैट को बेकिंग सोडे से कुछ भी एलर्जी है तो प्लीज़ अपने वेट को कंसल्ट कीजिए इसको यूज़ करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी कैट है, इसको फ्ली बाइट हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में। सो हमको इसको क्योर करना है। सो हमें लेना है बाउल, उसमें हमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा थोड़ा सा मोटा मोटा रहता है तो उसको एक बार क्लीन कर लीजिए, क्रश कर लीजिए। फिर इसमें वाटर मिलाइए और एकदम इसे डाइल्यूट कर लीजिए स्पून से अच्छे से। डाइल्यूट करने के बाद आपको लेना है कॉटन, पहले आप इसे अच्छे से डाइल्यूट कर लीजिए, बिकॉज ये डाइल्यूट होगा तो ही वर्क करेगा, वरना ये नीचे जाके बैठ जाएगा। अब आपको लेना है कॉटन और पानी में कॉटन को डिप करना है एंड आपको धीरे धीरे जहाँ भी फ्लीज ने बाइट किया है वहाँ इसे अप्लाई करना है। मेक श्योर कि कैट के आई में ये ना जाए। ऐसे धीरे धीरे करके आपको डैप करना है और कैप की बॉडी पे इसे लगाना है। ये फर्स्ट एड है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि आपकी कैट को फ्ली ने बाइट किया है तो आप इसे ऐसा यूज़ कर सकते हो। नाउ सेकेंड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कैट के ऊपर फ्लीज है और आपकी कैट बहुत ज़्यादा खुद को ईच कर रही है, तो आपको थोड़े से बेकिंग पाउडर को ब्रश में लेके ऐसे आपकी कैट की बॉडी पे पूरा अच्छे से डैप करना है और उसको अच्छे से मसाज करना है। आपको ब्रश की हेल्प से थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे लेके अपनी कैट की बॉडी पे लगाना है और अच्छे से उसको रब कर देना है कैट की बॉडी पे। ये बहुत जल्दी फ्लीज को किल करता है और ये एकदम नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। आपको पूरी बॉडी पे अच्छे से लगाना है जहाँ आपको ऐसा लग रहा है, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको लगाने के बाद आपकी कैट टोटली ईचिंग कम कर देगी, उसको कहीं भी ईच हो रहा होगा वो टोटली कम कर देगी। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब हम आते हैं थर्ड हैक पे, जो कि बेकिंग सोडा बहुत अच्छा फ्लीज को किल करता है। तो मोस्टली कैट्स कार्पेट्स पे बैठते हैं, तो हमें कार्पेट को कैसे क्लीन करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। सो हमें बेकिंग सोडा लेना है और कारपेट के ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करना है, पूरा कारपेट अच्छे से कवर होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप इसको स्पार्कल कीजिए। 10 मिनट्स के लिए आप इसको छोड़ देंगे, उसके बाद आपको आपका वैक्यूम क्लीनर लेना है और इसको पूरा खींच लेना है और अच्छे से वैक्यूम करना है आपके पूरे कारपेट को। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेल कैट्स हमेशा हर जगह अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, तो कारपेट उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है वहाँ पे उनकी टेरिटरी मार्क करना। तो वो ये चीज़ को बहुत लाइटली लेके यहाँ पे यूरिन करते हैं। तो अगर आप ये चीज़ थोड़ा बहुत आप वहाँ पे स्पार्कल कर दोगे बेकिंग सोडा, तो उससे उनका यूरिन का स्मेल भी चला जाएगा आफ्टर वॉश। अब हम आते हैं कैट लिटर पे। बहुत सारे पेट ओनर्स को, कैट ओनर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यूरिन की स्मेल से और पूप की स्मेल से। बेकिंग सोडा एक डिओडोराइज़र है जो कैट लिटर पे बहुत अच्छा वर्क करता है। फर्स्ट आप अपने लिटर बॉक्स में कैट लिटर पूरा डाल दीजिए, अच्छे से लिटर बॉक्स को कवर कर लीजिए। ये मैंने पूरा लिटर बॉक्स को कवर कर दिया है कैट लिटर से। अब यहाँ पर हम थोड़ा बहुत यहाँ पे हम थोड़ा बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे इसके ऊपर और फिर इसको पूरा प्लेन कर देंगे। और
और उसके बाद आप आपके कैट को कैट लिटर के ऊपर छोड़ सकते हो, जहाँ पे जब वो पूप करेगा या यूरिन करेगा उससे स्मेल बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी। और आप देखोगे कि कहीं कोने पे भी मेल कैट्स जब स्प्रे करना शुरू कर देते हैं तो आप वहाँ पर भी अगर बेकिंग सोडा से क्लीन कर लोगे, मेक श्योर कि आपकी कैट, जो भी आप कैट लिटर यूज़ कर रहे हो, उसको खाए ना, वरना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और हमेशा अपने वेट को कंसल्ट कीजिए अगर आपकी कैट एलर्जिक है। अब हम आते हैं फिफ्थ हैक पे। आपको एक एम्प्टी कंटेनर लेना है, उसमें हाफ बॉटल में पानी फिल करना है और 2 स्पून बेकिंग सोडा के आपको उसमें डालना है और अच्छे से इसको डाइल्यूट करना है। पूरा प्लेन होना चाहिए, डाइल्यूट अच्छे से कीजिए ताकि स्प्रे करने में आसानी हो। अब आपको आपकी कैट को लेना है और पूरी बॉडी पे आपको ऐसे स्प्रे करना है। धीरे धीरे करके पूरी बॉडी पे स्प्रे कीजिए अच्छे से और उसके बाद आपको ऐसे इसको मसाज देना है। अगर आपकी कैट स्मेल कर रही है, ये टोटली पूरी स्मेल को कंट्रोल कर देगा और एकदम कैट को भी फ्रेश फील होगा। आप इसको 2 डेज़ में एक बार इसको कर सकते हैं या वीकली भी आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। बट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपकी कैट बेकिंग सोडा से एलर्जिक है तो प्लीज़ अपने वेट को कंसल्ट कीजिए एक बार और इसके बारे में आप अच्छे से जान लीजिए। मैंने जैसा आप देख रहे हो पूरे कैट की बॉडी पर स्प्रे कर दिया है, ये टेल साइड है, मैं यहाँ भी स्प्रे कर दूँगी और अच्छे से मेरी कैट को एक मसाज दे के छोड़ दूँगी। And it's all done. So, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू।